अभी जब यूपी में चुनाव हुए थे तो मुलायम सिंह जी ने सोनिया गांधी जी को फोन किया। मुलायम सिंह जी के भाषण आपने टीवी पे तो सुने ही होंगे। हमारे कवि हैं वेद प्रकाश वेद, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। बोले मुलायम जी कह रहे थे मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं, मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं। तो एक कार्यकर्ता बोला जी आप अपनी बात रिकॉर्ड करके खुद समझ के दिखाओ। तो मुलायम जी की वो बात सोनिया जी कितनी समझी होगी मुझे नहीं पता। वो मुलायम जी ने सोनिया जी को फोन किया कि तो हाल लौंडे ना हमारे लौंडे का फट्टा लगा। कुल मिला के ये उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम था। एक और फोन हुआ पिछले दिनों, जैसे ही राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए द्वारा राम कोविंद जी का नाम तय हो गया उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है। तो आडवाणी जी बोले मोदी जी ने कहा विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। मोदी जी ने भी खूब भाषण दिए साहब, अब तक दे ही रहे हैं। चार साढ़े चार साल से वो चुनावी मोड में ही है। 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ, इस चक्कर में अपने 4 साल भी जोड़ लेते हैं। अरे मोदी जी, दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय अगर सही टाइम पे अपने बेडरूम में झांक लेते हैं। तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। बहुत अच्छा रूम है प्रवीण, खूब हंसाते हैं मोदी जी ऐसी बात। बहुत आप देख लो, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो, चाहे हरियाणा के, चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे त्रिपुरा के, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को अपने साथ ले आते हैं और सामने बिठा देते हैं। अब फिर दिखाते हैं, बोले देखो ऐसे होता है शपथ ग्रहण। उसका भाषण देते हैं, भाइयों और बहनों आज मैं जहां हूं वो इनकी वजह से, और ये जो जहां है अच्छा, जब से ये नीरव मोदी और ललित मोदी निकले ना पतली गली से, आपने देखा होगा मोदी जी के चेहरे की रौनक थोड़ी कम हो गई। तो बहुत दुखी दुखी बैठे थे, तो महात्मा गांधी आगे बोले क्या बात है बहुत दुखी हो। बोले जब से नीरव मोदी ललित मोदी निकले मोदी सरनेम से भरोसा उठ गया। तो गांधी जी बोले पगले बस दो से ही दुखी है, मेरी तरफ देख। वो अभी एक अमेरिका का वैज्ञानिक कह रहा था जी, बोले हमने एक आदमी की किडनी बदली, 2 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। मैं एक जापान का था, बोले जी हमने एक आदमी का हृदय बदला, 6 घंटे बाद वो काम धंधा ढूंढ रहा था। मैं एक भारतीय भी था, बोले जी हमने तो एक आदमी बदला था बस, पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। राजनीतिक की बात आती है। और जहां तक हरियाणा की बात है तो हमें तो राजनीति की जरूरत नहीं, तो वैसे ही खूब हंसते रहते हैं, क्योंकि सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं। हरियाणा की जो हाजिर जवाबी है पूरे विश्व में 2 नंबर पर है। आपको गर्व करना चाहिए इस बात पे, आपकी मस्ती के लिए है, आपकी मस्ती को पूरी दुनिया सलाम करती है। हमारे यहाँ तो बालक इतने मस्त हैं, पता नहीं यहाँ सिस्टम शुरू हुआ, दिल्ली के कुछ स्कूलों में एक सिस्टम शुरू हो गया। वो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई तू क्यों नहीं मानना का? बोले इतने बात कौन भरेगा। बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है और निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। ये भविष्य काल हरियाणा का बालक ही बता सके। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान ली, 2 लड्डू मैंने ले लिए तो कितने बचे?
बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। हमारी भी मान ले।